मिश्रा जी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और चाणक्य के इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चाणक्य ने, कौटिल्य ने प्रशासन के क्षेत्र में और उनकी रचना अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बातें बताई। तो वैसे तो ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, मैंने इनमें से कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया है जो कि हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो सकता है। जैसे कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्ची, यानी कि एक निरपेक्ष शासक, यानी कि एकमात्र शासक जो हेड में, यानी सबसे शीर्ष पर एक शासक का होना जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर निरपेक्ष शासक होगा तो निरंकुश हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, लेकिन देखिए उसके लिए भी इन्होंने इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि किंग्स पावर हेज्ड, पहले तो देखिए एब्सोल्यूट मोनार्ची होना चाहिए, यानी पूरी जो शासन व्यवस्था है, पूरा जो राज्य है उसका एक प्रमुख होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मोनार्ची। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये निरंकुश ना हो जाए, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो राजा का पावर होगा हैज्ड विद द रेस्ट्रिक्शन एंड ड्यूटीज, राजा का जो शक्ति है, जो पावर है, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है उस पर रहेंगे, उस पर नियंत्रण रहेगा। ऐसा नहीं कि राजा अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय ले सके, जब वो निर्णय लेंगे अपने जो मंत्री हैं, अमात्य हैं, उनसे बातचीत करके निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय वो करेंगे वो राज्य के हित में करेंगे, लोगों के हित में करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो उसके ऊपर नियंत्रण रखा गया है वो ये कि राजा की खुशी में खुशी नहीं है, जो प्रजा की खुशी है वही राजा की खुशी है, यानी कि द प्लीजर ऑफ पब्लिक इज द प्लीजर ऑफ किंग, यानी कि प्रजा की खुशी ही राजा की खुशी है। अब ये देखिए सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यानी जब भी राजा को निर्णय लेना होगा वो देखेगा कि हमारे इस निर्णय से प्रजा को का कितना वेलफेयर हो सकता है, प्रजा की कितनी बेहतरी हो सकती है, प्रजा के लिए हमारी जो जनता है, हमारी जो प्रजा है, उसका क्या वेलफेयर हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि द पावर हैज्ड विद द रेस्ट्रिक्शन एंड द ड्यूटीज, और ड्यूटीज भी दो तरह की ड्यूटीज, यानी उनकी राजा की जो सारी ड्यूटी है उन सारी ड्यूटीज को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक है रक्षणा और दूसरा है पालना। रक्षणा मतलब अपने प्रजा की रक्षा करना, ये प्राथमिक दायित्व है राजा का, दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग, रक्षणा। और दूसरा है पालना, पालना मतलब नर्चर करना, रक्षा करना। कैसे रक्षा करेंगे, तो मजबूत मिलिट्री, मजबूत दुर्ग, दुर्ग होगा, मिलिट्री होगी, मिलिट्री में कई तरह की सेनाएं होगी। आप लोग जो है हमारे इसी चैनल पर चाणक्य के बारे में ही जो हमने विदेश नीति और कूटनीति के बारे में बताया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से विदेश नीति के अंतर्गत, फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा को अपने देश की जनता को, अपने देश की प्रजा, अपने राष्ट्र की प्रजा को रक्षा करने का सर्वोच्च दायित्व है। अगर कोई राजा अपने राष्ट्र के प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है, उसे राजा रहने का कोई हक नहीं है, कोई उसको अधिकार नहीं है। तो रक्षणा यानी कि प्रोटेक्शन द पब्लिक, एंड पालना, पालना मतलब नर्चर, कैसे नर्चर करेंगे, तो अपने देश की, राष्ट्र की जनता को वार से बचाएंगे। उन्होंने कहा, एक जगह उल्लेख किया है, अगर वार और पीस में से किसी को चुनना है तो पीस को चुनना है। क्यों? क्योंकि वार जो है ये बहुत नुकसान कर सकता है, इससे कई तरह का नुकसान हो सकता है। वार से आप बहुत सारे सैनिकों को अपने देश से बाहर जाना पड़ सकता है, बहुत सारे जो हमारी मिलिट्री है, सेना है, उनको जो है हमें खोना पड़ सकता है, लॉस हो सकता है हमारा, हमारे धन का नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी संभावना है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि पीस बनाए रखने से, शांति बनाए रखने से हमें जनता का भला हो सकता है, हम हमारी मजबूती कायम रख सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि पालना यानी जनता को पालना, नर्चर करना, ये पहली ड्यूटी है, उसके बाद कोई और काम आता है। तो इस तरह से उन्होंने इस ड्यूटी के तहत राजा को रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया। पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये हो गया कि भाई आपको राजा के वेलफेयर के बारे में सोचना है, दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये हो गया कि
प्रजा की भलाई और उसकी रक्षा करना जरूरी है, और तीसरा ये हो गया कि राजा का ये कर्तव्य है कि उनको हमारी जो जनता है प्रजा है उसका पालन करे, और वार और पीस में से जब भी चुनाव करना हो जिसमें कि जनता का भारी नुकसान हो सकता है तो पीस का चुनाव करना है। वो ये भी कहते हैं कि टैक्सेशन अगर कर लगाना हो तो कर इतना नहीं होना चाहिए कि जनता पर भारी हो जाए, जनता को परेशानी हो जाए। कर हमेशा टैक्सेशन जो है ये धीरे धीरे यानी स्लोली ग्रेजुएटेड बढ़ना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। कभी भी टैक्स को एकदम बढ़ाना किसी भी राजा के लिए राज्य के लिए उचित नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर ऑफ स्टेट, राजा को ये जिम्मेदारी दी कि आपको हमेशा अपनी प्रजा का वेलफेयर के बारे में सोचना है और कई तरह से सोचना है, यहाँ तक कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उस प्रजा की भलाई के लिए उस पर्यावरण की भी आपको रक्षा करनी है। यानी आज जो आधुनिक प्रशासन में जिन बातों को हम सोचते हैं वो बातें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के उद्देश्यों में ऑलरेडी उल्लेख किया हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, वो कहते हैं कि प्रशासन को चलाने के लिए जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको कैसे चुना जाए और उनको चुनने के अलावा उन्हें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने तरीका बताया है। पहली चीज तो ये, जो अधिकारी चुने जाएं वो हमेशा किस तरह से होंगे, तो उनका चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, यानी एबिलिटी बेस्ड सेलेक्शन होना चाहिए, यानी योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए, यानी योग्य व्यक्तियों को ही प्रशासन में आने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि प्रशासन में जब योग्य व्यक्ति आएंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के आधार पर चुनना है। दूसरी चीज, जॉब का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी हर एक, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को सारा जॉब दे दिए, जॉब का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होना चाहिए, अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब होना चाहिए। और तीसरी बात, जो अधिकारी या जो राजनीतिज्ञ काम करेंगे वो कभी भी अपने निर्णय धार्मिक आधार पर लेंगे, यानी कि राजनीति को धर्म से पृथक रखकर देखने वाले राजनीतिज्ञ अगर कोई हैं तो कौटिल्य हैं। यानी कौटिल्य वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया है, हमने कहा कि प्रशासन या राजनीति में धर्म का प्रभाव या धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। और देखिए, कौटिल्य ने इसको बहुत पहले ही 2300 साल पहले इस बात को का उन्हें आभास था कि अगर राजनीति पर धर्म का प्रभाव बढ़ेगा तो समाज में डिस्प्यूट बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, इसीलिए राजनीतिज्ञों को, प्रशासकों को प्रशासन करते समय धार्मिक भेदभाव को नहीं अपनाना चाहिए बल्कि धार्मिक निष्पक्षता का उपयोग करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा उन्होंने जैसे अभी प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता होता है, तो ऐसे ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए एक कठोर नियम होना चाहिए, उन्हें लगातार जनता के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए और जनता में एक विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें बेहतर कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता है, आचार व्यवहार में उनको बेहतर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता जो प्रजा है वो अपने इन अधिकारियों को पर नजर रखती है, तो अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट अगर पालन करेंगे तो इससे जनता में शासन का विश्वास बढ़ेगा और राजा का विश्वास बढ़ेगा। तो राजा का उद्देश्य क्या है, प्रजा को अपने प्रति लॉयल बनाए रखना, राजभक्त बनाए रखना, ये तो तभी संभव होगा जब प्रशासनिक अधिकारी कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर काम करेंगे, जब प्रशासनिक अधिकारी बेहतर यानी एफिशिएंटली काम करेंगे, निष्पक्ष होकर के और पूरी दक्षता से काम करेंगे। तो देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसीलिए जॉब क्लासिफिकेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट यानी योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए, योग्य लोगों के द्वारा जब काम किया जाएगा तो जनता को ज्यादा सेटिस्फैक्शन, प्रजा को ज्यादा संतुष्टि मिलेगी,
बनेगी। तीसरी बात, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखने, रिलीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखने की बात कही और कोड ऑफ कंडक्ट को बेहतर बनाने की भी बात की है। यह भी उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशासन अगर चलाना है तो ऑथोरिटी यानी अधिकार की जरूरत होगी, बिना अधिकार का प्रशासन नहीं चलेगा। आज भी ये सही है कि अगर अधिकारियों को हम कोई पावर ही नहीं देंगे, हम उनको काम करने के लिए कोई अधिकारी नहीं देंगे, ऑथोरिटी नहीं देंगे, तो वो शासन नहीं चला पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं कौटिल्य, ऑथोरिटी इज द एसेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑथोरिटी उनको दीजिए, अधिकार दीजिए, लेकिन काम करने के लिए दीजिए, उनको अधिकार दीजिए, बेहतर प्रशासन के लिए दीजिए। ये सारी बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया गया है। साथ ही प्रशासन को चलाने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसकी भी बात करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा, जो कि मैंने पहले भी बताया, जॉब क्लासिफिकेशन, अधिकारियों के बीच, कर्मचारियों के बीच काम का बंटवारा किया जाना चाहिए। अब काम का बंटवारा करेंगे तो कोऑर्डिनेशन यानी उनके बीच समन्वय करने वाले अधिकारी भी होने चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हर एक काम सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। आज भी देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रशासन का एक बेहतर स्वरूप माना गया है। टुडे स्टिल द डिसेंट्रलाइजेशन इज ए गुड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी काम को करना है तो निचले स्तर के अधिकारियों को भी काम करने का मौका दीजिए, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है। कौटिल्य कह रहे हैं कि ये सब चीजों को अपनाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिवीजन ऑफ लेबर, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की चर्चा की गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत हो, अगर उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत हो, तो केवल एक ही तरीका नहीं है, चार तरीकों का उल्लेख करते हैं। यह डिप्लोमेसी में भी हमने बताया था, चाणक्य की डिप्लोमेसी में भी ये चीज उल्लेख किया गया है, साम, दाम, भेद और दंड। ये मोटिवेशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पहले समझाइए अधिकारियों को, समझाइए, बुझाइए, ट्रेनिंग दीजिए, फिर काम करने का मौका दीजिए। अगर वो दाम यानी कि वो बेहतर दाम लेकर के, बेहतर सैलरी लेकर के अच्छा काम करते हैं तो आप दाम भी दे सकते हैं, और कई बार जरूरत होती है भेद, कई बार अधिकारी क्या करते हैं, एकजुटता बना लेते हैं और सत्ता के खिलाफ जो है, जो राजा के खिलाफ जो है वो तैयारी कर लेते हैं, तो ऐसा होने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इससे नुकसान होगा, राजा जो है परेशान होगा। तो उनमें भेद करके रखिए कि किस तरह का हमारे अधिकारी हैं और किस अधिकारी से हमें क्या काम लेना है, और उनको अपने प्रति लॉयल बना के रखिए। तो जरूरत पड़ने पर भेद का भी उपयोग कर सकते हैं, और राजा को चाहिए कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करते हैं, राजा के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित नहीं करते, उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। तो साम, दाम, भेद, दंड, इन सब का उपयोग करके हम अधिकारियों को, प्रशासनिक जो काम करने वाले लोग हैं राजा के लिए, उनको मोटिवेटेड भी कर सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन का भी यूज किया जा सकता है। साम क्या है? साम और दाम पॉजिटिव मोटिवेशन है, और भेद और दंड क्या है? निगेटिव मोटिवेशन है। नकारात्मक अभिप्रेरण और सकारात्मक अभिप्रेरण की चर्चा कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में ऑलरेडी की हुई है। और जहां तक राजा की और राज्य की बात करेंगे, तो उन्होंने पहले ही, जो मैंने आपको सप्तांग सिद्धांत बताया है, जो पहला टॉपिक था इसमें सप्तांग सिद्धांत, जिसको मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, शासन के जो सात अंग हैं उनके बीच एक समन्वय का होना जरूरी है। राजा, मंत्री यानी अमात्य यानी स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद यानी कि जो क्षेत्र जहां पे शासन हो रहा है यानी राष्ट्र कैसा होना चाहिए, इसके अलावा राजा के अलावा, इसके अलावा कोष जो एक महत्वपूर्ण विधा है ना, कोष, दंड और मित्र, ठीक, दंड और मित्र, ये है दुर्ग, DURG, दुर्ग। तो स्वामी यानी राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद यानी कि क्षेत्र, दुर्ग यानी कि रक्षा करने की व्यवस्था, डिफेंस समझिए, रक्षा व्यवस्था, कोष मतलब हमारा खजाना, दंड
यानी कि जरूरत पड़ने पर जो राजा हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, षड्यंत्र करेगा, उसे दंडित करना और ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाना, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को अपने फेवर में लेके आना, जिससे कि हमें चारों तरफ सुरक्षा का माहौल रहे। और जब सुरक्षा का माहौल रहेगा, हम सिक्योर्ड राज्य रहेंगे और हमारे मित्र जो हैं हमें मदद करते रहेंगे, तो स्वाभाविक क्या होगा, हमारे देश की जनता सबसे ज्यादा सुखी होगी। तो प्रशासन करने के तरीके और जनता को बेहतर सुविधा मिल सके, जनता को बेहतर ढंग से उनको काम करने का अवसर मिल सके, ये सारी बातें हमने इनके चाणक्य के अर्थशास्त्र में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ा। तो अगर इसको एक बार रिव्यू कर लें कि चाणक्य ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई, तो देखिए, पहले तो उन्होंने ये एडवोकेसी की कि राष्ट्र का प्रमुख एक राजा होना चाहिए, जिससे कि पूरी जिम्मेदारी उसकी रहे राज्य की भलाई की, या अगर गड़बड़ी हो तो अंतिम रूप से जिम्मेदार एक व्यक्ति को ठहराया जा सकता है। इसे आप वर्तमान पर प्रशासन में यूनिटी ऑफ कमांड कह सकते हैं, यानी कि आदेश की एकता कह सकते हैं, कि एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भाई जो कुछ भी हो रहा है उसके अंतिम रूप से जिम्मेदार आप हैं। तो आप यह समझ सकते हैं कि प्रशासन का एक कंट्रीब्यूशन हो गया इनका यूनिटी ऑफ कमांड का। फिर उन्होंने कहा, अब अगर राजा बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, एब्सोल्यूट होगा, तो निरंकुश हो जाएगा, तो उस निरंकुशता पर नियंत्रण कैसे होगा? तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी ड्यूटीज होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जहां पर सत्ता है वहीं उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व तो क्या है? तो रक्षणा और पालना। रक्षणा मतलब जनता की रक्षा करो, अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करो, राष्ट्र का विस्तार करो, जनता के हितों में काम करो, उनका वेलफेयर करो। और नर्चर, नर्चर मतलब उनको पालना, उनके बेहतर से बेहतर सुविधा की व्यवस्था करना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताया कि धर्म और राजनीति को उन्होंने हमेशा अलग अलग रखने की बात कही। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो प्रशासक होंगे वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की कि वो योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे, उनका काम बटा हुआ रहेगा, वो अपने अपने काम में दक्ष रहेंगे, और साथ ही साथ उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा। कोई भी अधिकारी, उनके पास ऑथोरिटी तो होगी लेकिन ऑथोरिटी का दुरुपयोग करने पर वो दंड के भागीदार होंगे। और साथ ही साथ जो राज्य के समस्त भाग हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, उल्लेख किया, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सबका एक कोऑर्डिनेशन, एक सबका समन्वय, बेहतर समन्वय एक अच्छे राजा, एक अच्छे प्रशासन, एक अच्छी लोक सेवा के निर्माण का आधार बनेगा। और इस तरह से चाणक्य के इस कंट्रीब्यूशन को हम लोक सेवा के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान मान सकते हैं। और आप लोगों ने हमारी इस बात को ध्यान से सुना, इस बात के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे शेयर और कमेंट भी कीजिए। इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।